गोरखपुर विश्वविद्यालय में रखे ईवीएम मशीन के स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी की जा रही है, जिसके संबंध में जिला अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि डीडीयू में ईवीएम के स्ट्रांग रूम के बाहर केंद्रीय सुरक्षा बल व जनपद पुलिस को तैनात किया गया है। इसके अलावा 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है तथा कंट्रोल रूम को स्थापित किया है, जहाँ से मॉनिटरिंग की जा रही है और प्रत्याशियों के एजेंट भी निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षा में रखा गया है। उन्होंने कहा कि 10 मार्च को सकुशल शांतिपूर्ण मतगणना करवाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, उसके बाद अंदर ट्रेनिंग रहेंगे ईवीएम की सुरक्षा के लिए। वहाँ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है प्रथम टायर में, और तीसरे टायर में हमारे सिविल फोर्स सुरक्षा व्यवस्था कर रही हैं। 24 घंटे वहाँ सीसीटीवी निगरानी हो रही है, कंट्रोल रूम स्थापित है, गजेटेड ऑफिसर तैनात हैं और वहाँ प्रत्याशियों के एजेंट्स भी लगातार निगरानी कर रहे हैं। पूरी व्यवस्था के साथ वहाँ पे हम लोग सुरक्षा और सावधानी के साथ वहाँ कार्य कर रहे हैं। ईवीएम के स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए सभी मानक पूरे करते हुए हम लोग वहाँ व्यवस्था की है।